सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अभिषेक शर्मा स्वागत करता हूँ आपका बायोजोम्स में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ बायोमिमिक्री। अभी तक हम बायोमिमिक्री के डेफिनेशंस, बायोमिमिक्री के फाउंडर, नेचर किस तरह से बायोमिमिक्री को देखता है, और हमें तीन एम जो मॉडल मेंटर वाला जो लॉ है, किस तरह से हम बायोमिमिक्री पे या बायोमिमिक्री हमारे पे अप्लाई करता है वो देख। अब जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर से इन्वेंशंस के बारे में देखेंगे, तो बायोमिमिक्री का मतलब ही यही होता है कि हम नेचर को देखकर, नेचर से आइडिया लेकर इंस्पायर हो और उस आइडिया को हम हमारी टेक्नोलॉजी में बदलें या किसी भी चीज़ में बदलें जिससे ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व हो सकें। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं, आज बात करेंगे इस डायग्राम को देखते हुए क्या लग रहा है। सर बुलेट ट्रेन है, किंगफिशर इन द सेंस बर्ड किंगफिशर, ठीक है। हाँ, उसको किंगफिशर को देखकर भी कोई इंस्पायर हुआ है, बट अब उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बुलेट ट्रेन जापान की। सेनियो शिंकानसेन लाइन एक बुलेट ट्रेन सर्विस है जो कि जनरली जापान में चलती है। इसकी ये जो बुलेट ट्रेन की लाइन है ये काफ़ी टनलों से गुजर कर जाती है, मतलब काफ़ी टनल्स हैं, काफ़ी टनल वाला एरिया है। जब ये टनल के अंदर जाती है तो काफ़ी प्रेशर क्रिएट होता है। जब लो फ्रिक्वेंसी वेव्स, जो प्रेशर वेव है, वो लो फ्रिक्वेंसी वेव जब प्रोड्यूस होती है तो वह एरोडायनामिक वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, और जैसे ही वो अंदर टनल के अंदर जाते टाइम या टनल से बाहर आते टाइम एक बूम या एक भयंकर तरीके से आवाज़ करती है, जो कानों में, जिसको कानों को पसंद नहीं होती इस तरह की आवाज़ करती होगी या करती थी, कह सकते हैं, अभी तो नहीं करती, बहुत पुरानी बात है। तो 400 मीटर के दायरे में ये वाइब्रेशंस जाती थी, ये जो आवाज़ है, जो प्रेशर क्रिएट होता था टनल के अंदर ट्रेन से, ये काफ़ी परेशान वाली आवाज़ थी। आसपास के जितने भी घर थे वो सारे परेशान हो जाते थे। तो क्या हुआ कि आसपास के रहने वालों ने कंप्लेन रजिस्टर की कि भैया बुलेट ट्रेन वैसे भी बहुत फास्ट चलती है, जैसा आपको सबको पता है, और ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार दिन में एक ही बार बुलेट ट्रेन पास होती होगी उस टनल से, काफ़ी बार पास होती होगी, और एक ही टनल की बात नहीं है, हर टनल की बात है, और सबसे ज़्यादा सेक्शंस टनल से ही हैं बुलेट ट्रेन के। तो इसको, इस परेशानी को हल तो करना था, ऐसा तो नहीं है कि बुलेट ट्रेन को बंद कर दें, ये तो कोई हल नहीं है किसी परेशानी का। तो वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं या रिसर्चर हैं या साइंटिस्ट हैं, वो किंगफिशर बर्ड जो है, जो पक्षी है किंगफिशर, उसकी डाइव ऊपर से हवा से उड़ता 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 आते हुए एकदम से बिना किसी आवाज़ के पानी के अंदर जाता है, मछली को पकड़ता है या उसके खाने को पकड़ता है और वापस चले जाता है, और पता भी नहीं चलता मछली को या फिर अंदर जो भी पानी के अंदर जितने भी जीव, उनको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ। मतलब इतना सीमलेस तरीके से वो आता है दो अलग अलग मीडियम को विदाउट एनी वेव, विदाउट एनी नॉइस। तो वहां से आइडिया लिया साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर्स ने, और क्या किया कि जो बुलेट ट्रेन की नोज थी उसको 15 मीटर शेप में चेंज कर दिया, लेंथ में चेंज कर दिया, और ऑलमोस्ट राउंड क्रॉस सेक्शन बना दिया उसको। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं अगर यहाँ से पेन लेता हूँ तो आप देखेंगे कि जो किंगफिशर की जो पिक होती है ये एरोडायनामिक होती है। एरोडायनामिक होने से ये जो एयर को इजीली पास कर देती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो पहले जो बुलेट ट्रेन होती थी वो इस तरह से होती थी या थोड़ी सी इस तरह से, जिसको उन्होंने 15 मीटर शेप में चेंज किया और पूरे तरीके से राउंड कर दिया।
इंस्पिरेशन किससे लिया? किंगफिशर बर्ड से। इसका नतीजा क्या हुआ कि आवाज तो आवाज, साथ में 30% प्रेशर कम प्रोड्यूस होता है और एयर प्रेशर जो है वो 30% या तो बोल सकते हैं रिड्यूस हो गया है, जिससे आवाज भी बंद हो गई है, जो कि जो चुभने वाली आवाज आती थी जब टनल में, टनल से पास होती थी ट्रेन, वो भी बंद हो गई। साथ साथ में 15% इलेक्ट्रिक सिटी भी बच गई, ये सेव हो गई। साथ साथ में 10% स्पीड भी इंक्रीज हो गई ट्रेन की। तो तीन तो ये फायदे हुए, साथ में आसपास वाले जो इंसान वहां पर रहते थे 400 मीटर के दायरे में या फिर आसपास, उनको भी परेशानी वो एक तरह से दूर हो गई। तो किसी चीज को बंद कर देना ही उसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, एक ताले की एक ही चाबी होती है, बट जरूरी नहीं कि हम उस चाबी के घूमने से ताले को तोड़ दें, जैसा कि अभी हम करते हैं। हमें दूसरे उपाय ढूंढने चाहिए, जिस कि इन साइंटिस्टों ने ढूंढे, जापान के साइंटिस्टों ने। तो इसमें तीन चीजें देखी, इंस्पिरेशंस ली नेचर से, बर्ड से, और उसको टेक्नोलॉजी में उतार दिया, इसे ही बायोमिमिक्री कहते हैं। तो आई होप आपको ये कहानी, ये आपको एक साइंटिफिक व्यू अच्छा लगा होगा। आगे हम और अच्छे अच्छे व्यूज, साइंटिफिक व्यूज, नेचर व्यूज, बायोमिमिक्री पर बात करेंगे। अगर आपको कुछ लेक्चर में कुछ भी परेशानी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, अपनी राय साझा करें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद।